इसके बलिया जिले में कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बहरी में एक महिला को कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर बुरी तरह पिटाई की। उस समय महिलाएं एकला थी, जान से मारने आए थे बदमाश। हालात गंभीर होने पर जिला अस्पताल में भर्ती चल रहा है इलाज। डॉक्टरों का कहना है कि अभी हालत गंभीर है, हो सकता है कि वाराणसी रेफर करना पड़े। अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कोतवाली पुलिस में तहरीर देने के बाद आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम आपका है? क्या आपके साथ हुआ है? हमने कहा कि देखिए आप हमारे बच्चे को रोज मार रहा है, उसका बड़ा लड़का हमारे लड़के को गर्दन पकड़ करके फिर से लड़ा दिया, और लड़ाने के बाद दुपट्टा छीन करके सर पे मारा, चार पाँच फीट नीचे ढकेल दिया। ढकेलने के बाद दोनों भाई मारने लगे, फिर एक भाई मेरे जान के पैर पर चढ़कर खड़ा हो गया। वो कौन लोग थे? रियाज के लड़के तो अब्दुल्ला और आलम। कब की घटना ये है? संडे वाले दिन। संडे वाले दिन पुलिस आई थी, फिर दूसरे दिन फिर वो लोग आए, दूसरे दिन फिर आए, तो फिर घर में घुस कर बोलेगी दोबारा जो है शिकायत विकायत लेकर के मत पहुंचना, नहीं तो सबको इसी घर में जला कर मार देंगे। कौन कह रहा था? आज के दो लड़के आलम अब्दुल्ला। दिन शेख, प्रदेश मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश। आज क्या मामला है? जिला अस्पताल में आ रहे हैं। जिला अस्पताल में आए हैं कि ग्राम सभा बहेरी का ये मामला है, एक महिला को उसके घर में घुसकर कुछ हमारे ही ग्राम सभा के लोग मार दिए हैं, और मार भी ऐसे दिए हैं कि डॉक्टर लोगों का कहना है कि देखते हैं यहाँ दुरुस्त सब कुछ हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसे जांच कराने पड़ेंगे। गर्दन पर बहुत गहरा चोट है और सीटी स्कैन हुआ है, उसका रिपोर्ट भी आने ही वाला है, उसके बाद उसको मेडिकल में लगाया जाएगा। बहुत गंभीर रूप से चोट है और बहुत ज़्यादा मारा गया है। वो तो कुछ ग्राम सभा के लोग पहुंच गए तो चूंकि उसकी जान बच गई, नहीं तो उस तो जान से मारने की नीयत से वहाँ उस पर हमला हुआ था। कहीं से इसमें दो राय नहीं है कि उसको, और पहले इससे पहले एक बार झगड़ा उससे हो चुका था। खुद चंद्रशेखर नगर चौकी इंचार्ज के संज्ञान में ये मामला है, चंद्रशेखर नगर चौकी इंचार्ज के। जो भी घटना घटी जी, पीड़ित के लोगों ने जी पुलिस को या सौ नंबर कॉल किया, पुलिस आई जो कोई कार्रवाई हुई कि नहीं, हम दो अक्षर में ही बताए। अब पुलिस तो ऐसा है कि कोतवाली एप्लीकेशन दिलवाया गया, कोतवाल साहब चंद्रशेखर नगर चौकी इंचार्ज को एप्लीकेशन भिजवाए कि इस पर देखो और कार्रवाई करो। पुलिस से हमसे भी वार्ता हुई, चंद्रशेखर नगर चौकी इंचार्ज से बोले हम जाके पीड़िता का मैंने पीड़ित का बयान ले रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आए नहीं, यहाँ बयान नहीं हुआ कोई। कोतवाली में आपको एप्लीकेशन देख नहीं दिया? कोतवाली में ही एप्लीकेशन भिजवाया गया था, ये खुद ले जा कर दिया। आइए यहाँ, हम खुद ले कोतवाल साहब को दिए। उसके बाद कार्रवाई हुई नहीं? कुछ हुई? अभी तक तो कुछ नहीं हुई है, वैसे ही है जैसे के तैसे। दोबारा हम फिर चौकी इंचार्ज साहब से बात किए तो कहे कि हम आ रहे हैं पीड़िता का बयान लेने, अभी तक फिर अभी नहीं आए, तो क्या हम कह सकते हैं? मतलब पुलिस के रवैये से कोई ठीक नहीं है। अब कहाँ ठीक माना जाएगा भाई, जो परसों कल दिन भर रात भर जो महिला भर्ती है, आज दिन भर भर्ती है, अभी तक जब पुलिस महिला का बयान लेने तक नहीं आई तो हम उसको क्या कहेंगे भाई?